नमस्कार, मी अनंत कौशल्य। तर आपण आजच्या लेक्चर मध्ये फिजिक्स मध्ये भौतिक शास्त्र काय असतं हे समजून घेणार आहोत। ओके, व्हॉट इज फिजिक्स? ओके, व जी ब्रांच किसकी? फिजिक्स एका प्रकारचं सायन्सची ब्रांच आहे। कशाची ब्रांच आहे? सर, फिजिक्स एका प्रकारची विज्ञानाची ब्रांच असते। या फिजिक्स नावाच्या ब्रांच मध्ये आपण कशाचा अभ्यास करतो? सर, आपण आपल्या भोवतालच्या प्रत्येक वस्तूचा यामध्ये अभ्यास करतो। सर, ती नॉन लिव्हिंग वस्तू आपण या फिजिक्स या ब्रांच मध्ये विज्ञानच्या कायचा अभ्यास करतो। आपण आपल्या भोवतालच्या वेगवेगळ्या प्रकार नॉन लिव्हिंग सब्स्टन्स आहे, आपण त्याचा संपूर्ण डिटेल मध्ये अभ्यास करतो। सर, कशामध्ये? फिजिक्स मध्ये। म्हणजे गती म्हणजे काय? ओके, प्रत्येक फर्निचर कशा प्रकारे काम करतं, आपण कशा प्रकारे चालतो किंवा आपण प्रत्येक काम कशा प्रकारे करतो, याचा ज्या ब्रांच मध्ये अभ्यास केला जातो त्या ब्रांचला भौतिक शास्त्र किंवा फिजिक्स असं म्हणतात। तर या फिजिक्स या ब्रांचचा एक क्वेश्चन आज आपण सॉल्व्ह करणार आहोत। ओके, हे एका प्रकारचा भौतिक शास्त्राचा एक क्वेश्चन आहे। ओके, तर आपण ते आज सॉल्व्ह करणार आहोत। ओके, बात समज में आ गई? आ गए सर। तो हम क्वेश्चन क्या पूछे? देखो सर, एक माळी, ओके, एक सर माळी, ओके, एक माळी काय करलाय? सर, बघा, एक माळी असं एक रोल रोलर आपल्या बागेमध्ये फिरवायला काय करलाय? सर, एक माळी एक रोल रोलर आपल्या बागेमध्ये फिरवायलाय, आणि त्या रोल रोलर अंतर किती? सर, त्या रोल रोलर अंतर 20 मीटर, म्हणजे 20 मीटर इतकं त्या रोल रोलरच अंतर आहे। ओके, आणि त्याला तो 20 kg इतक्या फोर्सने तो ढकलत आहे। ओके, काय करला सर तो एक माळी? त्याला 20 kg फोर्सनं पुढे ढकलत आहे। ओके, आणि त्या रोल रोलर मधला आणि त्याचा जो हातामधला जो अँगल आहे का सर, तो 60 degree इतका आहे। सर, किती? 60 degree इतका आहे। ओके, तर आपला काढायचं काय? बघा, इथं आपला वर्क डन काढायचं। काय काढायचं सर? आपला इथं वर्क डन काढायचं। ओके, बात समज में आ गई सर? म्हणजे गार्डनर एक, सर एक माळी, ओके, म्हणजे गार्डनर आहे एक माळी, तू काय करलाय बघा, 20 मीटरचा एक रोल रोलर असा ढकलत नाही, ओके, आणि ती ज्याचं जे फोर्स अप्लाय करलाय का, ते 20 kg अप्लाय करलाय, आणि त्याच्यामुळे जो अँगल आहे का तो 60 degree आहे। तर आपला काय काढायचं सर? आपण टोटल एनर्जी काढायची, म्हणजे तर आपला वर्क डन काढायचंय, म्हणजे आपलं त्याचं कार्य किती झालं हे आपल्या या क्वेश्चन मध्ये काढायचंय। बात समज में आ गई? आ गई सर। तो बाबू, आज हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स यानी कि हमारा जो बल होता है, ओके, इट इज अ फोर्स। ओके, बात समझ में आ गई? इट इज अ फोर्स, यानी कि उसको हम बल बोलते हैं मराठी में और हिंदी में। ओके, इट इज अ बल। क्लियर है ना? क्लियर सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके, एफ इज इक्वल टू क्या होता है सर जी? एफ इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इज द मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, बात समझ में आ गई? आ गई सर। मास इंटू एक्सेलरेशन गिव राइज टू क्या मिलता है हमको बुआ जी? फोर्स मिलती है बुआ जी। जब हमको फोर्स निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? तो बुआ जी मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं। तब हमको बुआ जी यह क्या मिलती है? एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, इज द फोर्स। बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बात समझ में आ गई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि एक प्रकार का वेग अपॉन का है वो जो टाइम। बात समझ में आ गई? आ गए सर। तो बोला हमको इधर क्या दिया है? हमको जो फोर्स है वो हमको केजी में दिए। ओके, किसमें दिए? केजी में दिए। और हमको बचपन से हमने पढ़ा है, बचपन के स्कूल में छठी कक्षा हमें पढ़ा है कि बब्बू आज जो फोर्स होती है, फोर्स फोर्स का जो SI यूनिट SI। ओके, बात समझ में आ गई? SI यूनिट जो हमारा है फोर्स का वो न्यूटन है। क्या है बुआ जी? वो न्यूटन है। ओके, हमने बचपन में पढ़ा था, परंतु इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि बुआ जी इस माली ने क्या किया? इस माली ने उसको जो ढकना है हमारा रोलर, उसको 20 kg फोर्स दी। ओके, यानी कि केजी किसका है बुआ जी? एक SI यूनिट किसका है? SI यूनिट केजी किसका SI यूनिट है बुआ जी? केजी है मास का SI यूनिट है। किसका है? मास का है। यानी वस्तुमान का हो क्या है SI यूनिट है। पर हमको पूछा क्या है उनका? हमको पूछा है फोर्स। ओके, हमको दिया है फोर्स, पर पूछा क्या है? वर्क डन हमको निकालना है। तो हम बुआ इस केजी का क्या करेंगे? हम कन्वर्जन करेंगे। किसमें करेंगे? इस न्यूटन में करेंगे। हमको पता है कि इस फोर्स का क्या होता है? SI यूनिट न्यूटन होता है। इसलिए बुआ जी इस केजी का क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे। किसमें करेंगे? न्यूटन में करेंगे। बात समझ में आ गई? आ गए सर। चलो इतना छाप लिया, क्या क्या बात है इधर। ओके ओके जी। ओके, तो बुआ जी हम इसका क्या करें? आप कन्वर्जन करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे। तो हमको दिया 20 kg। ओके, 20 kg इंटू 10
इज इक्वल टू 200 न्यूटन इज द मेन आंसर. बा समझ में आ गई. आ गई सर. जर जर बघा आपल्याकडे प्रश्नामध्ये जर 20 kg जर दिला असन आणि जर आपला फोर्स दिली, फोर्स जर 20 kg दिली असन किंवा जर आपला फोर्स kg मध्ये दिला असन आणि जर आपल्याला रूपांतर न्यूटन मध्ये जर करायचं असन तर आपण त्याला 10 ने गुणलं पाहिजे. नंतर जे उत्तर येतं ते न्यूटन मध्ये असतं. हे केजी मध्ये सर, हे काय केजी मध्ये, किलोग्राम मध्ये. आपण त्या न्यूटन मध्ये कन्वर्ट केलं. काय केलं सर आपण? त्या संख्येला आपण 10 ने गुणलं तर ही संख्या आपला मिळाली 200 न्यूटन. तर या माळीनं काय केलं, त्या जे आपलं रोड रोलर आहे तर 200 न्यूटन इतकी फोर्स अप्लाय केली. कळले का? ओके सर. तर आपला काढायचं काय सर? वर्क डन काढायचं. एका प्रकारची स्केलर क्वांटिटी असते, याला डायरेक्शनची गरज नसते. फक्त फक्त न्यूमेरिकल व्हॅल्यूची किंवा फक्त फक्त एका न्यूमेरिकल व्हॅल्यूची किंवा फक्त जी म्हणजे डायरेक्शनची गरज नाही, फक्त फक्त मॅग्नेट्यूडची गरज आहे. म्हणजे काय? न्यूमेरिकल व्हॅल्यूची गरज आहे. दे कॉल्ड ऍज अ स्केलर, दे कॉल्ड ऍज स्केलर क्वांटिटी. आणि त्याचं एक्झाम्पल काय सर? ही एनर्जी. वर्ड इज एक्झाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी. म्हणजे ह्याला डायरेक्टची कोणत्याच प्रकारची गरज पडत नाही, फक्त मॅग्नेट्यूड किंवा न्यूमेरिकल व्हॅल्यूची याला गरज पडते. दे कॉल्ड ऍज अ स्केलर क्वांटिटी. बात समझ में आ गई? आ गई सर. तो हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमको इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमको वर्क डन निकालना है. ओके, हमने इतना निकाल लिया कि केजी का क्या किया हमने? कन्वर्जन किया. किसमें किया? न्यूटन में किया. इतनी बात समझ में आ गई? आ गई सर. तो हम अब निकालेंगे वर्क डन. क्लियर है ना? क्लियर सर. चलो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आप वर्क डन निकालेंगे ना इस क्वेश्चन का. तो बोल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगी? वर्क डन. ओके, इस वर्क डन को हम W से डोनेट करते हैं. किससे डोनेट करते हैं? W से इसको हम डोनेट करते हैं. ओके, बात समझ में आ गई? हमको हम इसको कैसे डोनेट करते हैं? W से हम इसको डोनेट करते हैं. और उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला फोर्स इनटू क्या बोल जी? डिस्प्लेसमेंट एंगल बिटवीन देम द कॉस थीटा. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही कि नहीं सर जी? आ रही समझ में? ओके, इट इज अ W. W म्हणजे काय सर? वर्क डन इज अ वर्क डन. ओके, इज अ वर्क डन. ओके, W इज इक्वल टू वर्क डन. द फॉर्मुला काय असो सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंगल बिटवीन देम इज द कॉस थीटा. बात समझ में आ गई? आ गई सर. द कॉस इज द एंगल बिटवीन देम. क्लियर है ना? तो हमको वो जी क्या निकालना है? हमको वर्क डन निकालना है. हमको वर्क डन निकालने के लिए फोर्स चाहिए होगा. तो हमारे पास फोर्स कितना है? हमारे पास बुआ जी 200 न्यूटन फोर्स है. कितना फोर्स है? 200 न्यूटन इतना फोर्स है. डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 20 मीटर इतना डिस्टेंस है. क्लियर ना? और एंगल कितना है हमारा? थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री थीटा है. बात समझ में आ गई? और हमको पता है कि एंगल बिटवीन देम मध्ये काय असतो? कॉस थीटा असतो. तर कॉस 60 इज इक्वल टू काय असतो सर? 1/2 असतं. क्लियर ना? बात समझ में कुछ आ रही कि नहीं? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं सर जी? घुस रहा है. तो हम निकालेगा, हमको फोर्स दिया है कितना? 200. लिखेंगे यहाँ पर इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 है. इनटू 1/2 बाय की हमने इसको काट दिया, इधर आया 10. तो बुआ जी W इज इक्वल टू, जब हम 200 × 10 करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो जो 2000 जूल आता है. दिस द मेन आंसर. बात समझ में आ रही का नहीं साहब जी आपको? 10. ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है सर. क्या हुआ जी? क्या क्या हुआ इधर? सबसे पहले हमने फोर्स निकाली. किससे निकाली? केजी से हमने फोर्स निकाली, न्यूटन में. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा एंगल बिटवीन देम. तो 200 × 20 ओके इनटू 1/2. तो वो जो हमने 2 से किया कैंसिल किया और 2 से हमने इसको क्या किया? मुझे बाय किया. ओके, यानी भाग दिया. ओके, इधर बाय किया. ओके, मुझे क्या था? आप उतना खास किया. ओके सर, मैं काट लेता हूं अर्ध किलो अपन. ओके, 2 काय केलं? आपण 2 ने 20 ला भागिल तर काय उत्तर? 10 उत्तर आलं. तर आपण ह्या जे आपण 200 × 200 × 10 जे आन्सर येईल ते मेन आन्सर. तर आपण जेव्हा 200 ला 10 ने गुणवतो तेव्हा 2000 जूल इतका आन्सर येत. दे कॉल्ड ऍज इट वर्क डन. बुबुआजी काय आम्ही सुरू में पढला होता की वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. और वर्क डन एक प्रकार की एनर्जी होती है. और एनर्जी का ये साइन क्या होता है? जूल होता है. इज द मेन आंसर. बात समझ में आ गई? आ गई सर. कितना आंसर है बुआ जी? ये आंसर है बुआ जी 2000 क्या? नॉट न्यूटन इज अ जूल.
क्लियर अन्ना? क्लियर सर, तो इतना समझ में आ गया, जरूरी छाप लो इतना। क्लियर अन्ना? क्लियर सर जी, क्लियर। दिमाग में घुस गया? ओके क्लियर अन्ना। दिमाग की बत्ती जली क्या? नहीं सर जी, जल गई बत्ती। इतना इसका आंसर आएगा मेन। ओके दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। चलो बुआ जी, धन्यवाद।